श्रीमन नारायण। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कार्तिक मास को दामोदर मास क्यों कहा जाता है इसके बारे में बताऊंगी और एक भगवान कृष्ण का कथा भी सुनाऊंगी। हिंदू धर्म में कार्तिक का महीना अति पावन है। यह महीना भगवान विष्णु की अनंत लीलाओं की महिमा का गुणगान करता है। भगवान विष्णु को सभी महीनों में कार्तिक मास अति प्रिय है। इस महीने में जो भी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक के महीने की महिमा अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कार्तिक मास के चल रहे इस पावन पर्व पर आज हम आपको भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की एक बाल लीला की कथा सुना रहे हैं। इसका वर्णन अनेक पुराणों में मिलता है। श्री कृष्ण की एक बाल लीला कथा इस कार्तिक मास से जुड़ी हुई है, जिस कारण कार्तिक मास को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को बचपन से ही माखन खाना बहुत पसंद था। जब भी वो यशोदा मैया से नजर बचाते सीधा माखन खाने के लिए मटकी में हाथ डालते थे। एक बार यशोदा मैया माखन बनाकर रसोई घर से कुछ लेने चली गई और श्री कृष्ण ने माखन की मटकी को ऊपर बंधा देख माखन खाने की एक तरकीब अपनाई। श्री कृष्ण उस समय बहुत छोटे थे और उनका हाथ ऊपर टंगी माखन की मटकी तक नहीं पहुंच पाया। तब उन्होंने माखन खाने के लिए पास में रखे उखल को रखा और उस पर चढ़कर माखन की मटकी तोड़ माखन निकालकर खाने लगे। इतने में माँ यशोदा वहाँ पहुँची और उन्होंने देखा सारी मटकी टूटी पड़ी है। कान्हा की इस शैतानी पर माँ यशोदा ने उन्हें उसी उखल से बांध दिया। श्री कृष्ण को यशोदा माँ ने कमर पर रस्सी से कस कर उसी उखल से बांध दिया जिस पर वो चढ़कर माखन की मटकी से माखन निकाल कर खा रहे थे। नारद मुनि ने कुबेर के दोनों पुत्रों नल कुंवर और मणिग्रीव को श्राप देकर वृक्ष बना दिया था। वो दोनों लोग श्राप पाने के बाद वर्षों से तपस्या कर रहे थे कि कब श्री कृष्ण जन्म लेंगे और कब उन्हें देवर्षि नारद के श्राप से मुक्ति मिलेगी। जब श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जन्म लिया और वह गोकुल आए और जब यशोदा मैया ने उन्हें उखल से जिस समय बांधा था तब उन्हें इन दोनों श्रापित नल कुंवर और मणिग्रीव को श्राप से मुक्त भी करना था। यह दोनों श्री कृष्ण के नंद भवन के बाहर वृक्ष बन गए थे। जब श्री कृष्ण बाल रूप में उखल से बंधे हुए थे तब पास में ये दोनों कुबेर के पुत्र एक श्रापित वृक्ष रूप में थे। श्री कृष्ण ने अपनी लीला से बंधे उखल को इन दोनों वृक्षों के बीच रखा और कस के उखल को आगे की ओर खींचा। जैसे ही श्री कृष्ण ने उखल को कस कर खींचा वह दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरे और उसमें से दो दिव्य पुरुष होकर अपनी असली रूप में पुनः आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी करनी की क्षमा याचना मांगी। भगवान ने उन्हें क्षमा किया और वे दोनों फिर से अपने लोक को चले गए। इस तरह यह लीला उखल बंधन लीला कहलाई और यह लीला कार्तिक मास में हुई थी। कार्तिक के महीने को दामोदर मास इसलिए कहते हैं क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री कृष्ण की इस लीला को विस्तार से बताया गया है। जब दोनों वृक्ष गिरे तब यशोदा मैया श्री कृष्ण की चिंता करते हुए भागी चली आई और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह श्री कृष्ण से बोली, लाला अब मैं तुम्हें कभी भी सजा नहीं दूंगी। और श्री कृष्ण अपनी बाल रूप की मंद मुस्कान लिए यशोदा माँ के गले लग गए। दामोदर का अर्थ होता है दाम मीन्स रस्सी और उदर मीन्स पेट। श्री कृष्ण के उखल से बंधे होने के कारण उनका नाम दामोदर पड़ा और कार्तिक के महीने को दामोदर नाम से भी जाना जाने लगा। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कार्तिक का महीना इतना पवित्र क्यों है। इस महीने की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी हैं। इस महीने हम जो भी आध्यात्मिक गतिविधि करते हैं वह श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने वाली होती है और राधा प्रसन्न हो तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार जिस प्रकार सतयुग युगों में सबसे अच्छा है, जैसे शास्त्रों में वेद सर्वश्रेष्ठ हैं,
जैसे गंगा नदियों में सबसे अच्छी है, वैसे कार्तिक महीनों में सबसे अच्छा है, भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी पौधों में पवित्र तुलसी मुझे सबसे प्रिय है, सभी महीनों में कार्तिक सबसे प्रिय है, सभी तीर्थों में मेरी प्रिय द्वारिका सबसे प्रिय है, और सभी दिनों में एकादशी सबसे प्रिय है। इस पवित्र महीने में हरे कृष्ण का जप या हरे राम का जप करते रहना चाहिए। कार्तिक मास में दीपक जलाएं, लाखों जन्मों के पाप पलक झपकते ही नष्ट हो जाते हैं। भले ही कोई मंत्र न हो, कोई पवित्र कर्म न हो और कोई पवित्रता न हो, कार्तिक के महीने में दीपक चढ़ाने से सब कुछ सही हो जाता है। दामोदर अष्टकम पढ़ें, श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ें, भगवत गीता भी पढ़ सकते हैं। मंदिर जाने की कोशिश करें और भक्तों के साथ भगवान को दीप चढ़ाने में भाग लें। बोलो जय श्रीमन्नारायण। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। कमेंट में जय श्रीमन्नारायण या राधे राधे जरूर लिखें।